जी नमस्कार, हम मनोज द्विवेदी और हमारी बनी कल्पना सीने एंटरटेनमेंट हाउस द्वारा फिल्म बाप रे बाप के म्यूजिक लॉन्चिंग पे और नया फिल्म पगला के मुहूर्त पे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमारे दो अजीज मित्र आंचल सोनी और गौरव झा हीरो हीरोइन आ रहे हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आंचल जी इस फिल्म की निर्मात्री भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, और मैं मनोज द्विवेदी गौरव और आंचल की उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और फिल्म सुपर डुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो और ये लोगों का कैरियर का ग्राफ बहुत ऊपर जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम म्यूजिक पार्टी में इस फिल्म को और फिल्म से जुड़े तमाम टेक्नीशियन और कलाकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। सर, आपकी फिल्मों की बात करें तो आने वाला कोई प्रोजेक्ट आपका? जी, हमारी फिल्म आ रही है मोकामा 0 किलोमीटर, जिसमें मैं मेहमान कलाकार हूँ, और एक फिल्म आ रही है तेरे जैसा यार कहाँ, पवन जी के साथ। आप लोग जरूर देखिए और उस पिक्चर को भी सुपर हिट, सुपर डुपर हिट बनाइए। धन्यवाद। नया अभी हमारी एक भोजपुरी फिल्म है सजना के सजनी, और एक हिंदी फिल्म है जिसके लिए मलेशिया जाने की तैयारी चल रही है, और बाकी जब आएगा तो आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगा और बड़ा धमाका करके आएगा। धन्यवाद। मैम, क्या कहना चाहेंगे, बाप रे बाप का ऑडियो लॉन्च है, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका टाइटल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इंसान जब किसी मुसीबत में होता है या किसी बहुत बड़ी खुशी जब उसे हासिल होती है तब जोर से चिल्लाता है बाप रे बाप। तो मुझे इसकी टाइटल बहुत अच्छी लगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जब चलेगी तो उसी धमाकेदार ढंग से चलेगी कि लोग देखेंगे तो कहेंगे बाप रे बाप, इस लड़की ने कितनी अच्छी फिल्म बनाई और कितनी अच्छी एक्टिंग की है। मैं सोनी को और इसलिए धन्यवाद ज़्यादा देना चाहूँगी कि वो लड़की होकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया, खुद प्रोड्यूस किया और अपने ढंग से अपने लिए कहानी लिखी। अगर लड़कियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहीं तो हमें बहुत गौरव होगा, खुशी होगी। देखिए, फिल्म लाइन में आने के बाद हमारा अंतिम कदम क्या होता है? प्रोड्यूसर बनना, तो बनना ही है। वैसे मैंने थोड़े बहुत इधर उधर कुछ किया है, सीरियल वगैरह बनाया है और अभी एक्टिंग में मसरूफ़ हूँ। तो जैसे ही आगे और बढ़ूंगी, यानी मेरी उम्र और आगे बढ़ेगी, जब मेहनत करने में सक्षम नहीं रहूंगी तो प्रोड्यूसर तो बनना ही है। थैंक यू। बिल्कुल। ओके, आंचल जी की माँ, कैसा लगा आपकी विद्या ने इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई बाप रे बाप? बहुत अच्छा लगा, वो इतना बड़ा फिल्म हम बनाई, अच्छा लगा हमको देख के। वो और आगे बढ़े, कामयाबी हो और तरक्की करे। ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रही है मुंबई में। बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के भी दिल खुश हो गया। किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनको आप? शुभकामना हम अपनी तरफ से तो बहुत ही खुश हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगा अपने बारे में, विजयराज यादव, और मैं आंचल और गौरव झा को बहुत ही बधाई दे रहा हूँ। बहुत अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने, टाइटल बहुत ही कमाल का है, आई होप सब्जेक्ट भी अच्छा होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, ये आपकी फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट हो और आगे भविष्य में अच्छा काम करो आप लोग। और थैंक यू संजय भैया जिन्होंने मुझे इग्नाइट किया और मैं यहाँ पे हूँ आप लोगों के बीच। थैंक्स आंचल जी और गौरव झा। इस फिल्म में मैं नहीं हूँ, मैं जैसे अजय मेहमान आया हूँ यहाँ पे, बधाई देने आया हूँ मैं यहाँ पे। मैं वैसे आने वाली फिल्म में अभी मैं और डीडी किसान पे दो सीरियल कर रहा हूँ। उदित जी डायरेक्टर हैं इनके, अच्छी कॉन्सेप्ट पे है, किसान वेस पे है। तो अभी मेरी दो सीरियल है डीडी किसान पे जो अभी टेलीकास्ट होने वाली है। एक हिंदी फिल्म है भाई हो तो ऐसा, वो भी रिलीज पे है। वैसे भोजपुरी फर्स्ट टाइम रैप लेके आ रहा हूँ मैं, वैसे गाए हैं अपने स्टाइल में मैं लेके आ रहा हूँ। 25 वीडियोस कंप्लीट किया है मैंने, वो रिलीज पे है वेब चैनल से। और सबको विश यू ऑल द बेस्ट। मैं शुभकामना माता रानी से दुआ करूँगा कि आपके फिल्म
इस टीम की सुपर दुपर हिट हो और आगे भविष्य में अच्छी फिल्म बनाएं और हम साथ में काम करें। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू आप मीडिया सब यहाँ पे आए, थैंक यू। सर क्या कहना चाहेंगे, बाप रे बाप का ऑडियो लॉन्च हुआ है, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? हम लोग भोजपुरी आर्टिस्ट हैं और भोजपुरी कलाकार, जो भी कैसेट्स आते हैं सबकी शुभकामनाएं हैं। और एक अलग तरीके से पहली बार भूत में इस तरह का किया है चल जी ने, तो अच्छा हो, सुपर हो, बढ़िया हो, यही शुभकामना कलाकार देते हैं और देते रहेंगे। आपकी फिल्मों की बात करें तो कोई आने वाला प्रोजेक्ट है आपको? शुरू में मैंने आखिर कब जागोगे, गंगा कुमार सिंह अंबार, गोबर सिंह, बताशा, तमाम फिल्में छोटे छोटे कैरेक्टर किए हैं और आने वाले समय में संजय जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं और काफ़ी बात चल रही है, लेकिन एक अच्छे कैरेक्टर तलाश है। काम तो ढेर सारा मिल रहा है, लेकिन जो काम जरूरी नहीं कि हर काम कर लिया जाए, दो मिनट का, एक मिनट का, ऐसा रोल जो मेरे पास सूट ना करे या फिट ना बैठे। कुछ अच्छा करना है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन भविष्य में अच्छा होगा ये उम्मीद करते हैं। ओके सर। मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा। आप मैं सबसे पहले इस टीम के सारे लोगों को दिल से बधाई देना चाहूँगा। और एक बाप रे बाप एक बहुत अच्छी फिल्म है और मेरे सारे दोस्तों ने इसमें काम किया है, आशा सोनी जी को मैं दिल से बधाई देना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि इनकी फिल्म इतनी अच्छी हो कि ज़िंदगी भर इसी तरह से अच्छी अच्छी फिल्में बनाती रहें, इंडस्ट्री में काम करते रहें और हम लोगों के साथ मिलकर अच्छे से अच्छा काम करते रहें। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपकी फिल्मों की बात करें तो मैं अभी फिल्म किया खेसारी जी के साथ में होगी प्यार की जीत, और जो कि बहुत अच्छी फिल्म है, राहुल कपूर प्रोड्यूसर हैं, इश्तियाक शेख बंटी जी डायरेक्टर हैं और बहुत ही पारिवारिक फिल्म, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। उसके लिए भी मैं दुआ करूँगा कि बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं गुरदेव सिंह, मैं इस फिल्म में एक क्रिकेटर की भूमिका की है, सट्टा लगाता हूँ क्रिकेट के ऊपर। एक्चुअली इस फिल्म से मुझे बड़ी खुशी है काम करके, क्योंकि इसमें जो मैंने कैरेक्टर किया वो पहली बार किया है। बचपन से हम क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के ऊपर सट्टा, तो मेरे पास जब स्टोरी आई थी तो मुझे दो कैरेक्टर सुनाया गया था, बट उन्होंने कहा तो मैंने जो क्रिकेट वाली कहानी सुनी थी तो मैंने कहा मैं ये कैरेक्टर करूँगा और छोटा है बड़ा अहम रोल है मेरा। और फिल्म तो बहुत प्यारी, मैंने देखी फिल्म का ट्रेलर देखा है, गौरव ने बहुत अच्छा काम किया है, आंचल और गौरव ने बहुत मेहनत की इस फिल्म को, इसके ग्राफिक्स वगैरह सब बहुत प्यारे हैं, मैंने देखे हैं। तो आप लोग से दुआ है कि बाप रे बाप देखिए, एक अच्छी कहानी, एक अच्छा ट्रीटमेंट है, सब लोगों की मेहनत है और मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको बड़ी खुशी होगी फिल्म देखिए, निराश नहीं होंगे आप लोग। नहीं नहीं, मेरा कैरेक्टर देख रहे हो पर फिल्म में एक हमने सुना है भूत होते हैं, भूतों की कहानी होती है, भूत के ऊपर बड़ी फिल्में बनी हैं, बड़ी बड़ी हिट फिल्में हैं हिंदी में भी, तो भोजपुरी मेरे ख्याल से पहली भूत वाली फिल्म होगी। और उसकी स्टोरी है जिसको गौरव ने जो प्ले किया है बहुत अच्छा प्ले किया है, मैंने उसको
सेट पे ही तहे दिल से शुक्रिया किया था कि यार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो आप लोग भी ये फिल्म देखें और आप लोग को भी बड़ी खुशी होगी फिल्म देखें। इसमें हम किरदार इनके हस्बैंड का कर रहे हैं। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सलमान खान पायल सेठ। ओह माय गॉड, कब तक शादी नहीं करेंगी मैं देखता हूँ। मैं भी कुंवारा बैठा हूँ इन्हीं के इंतजार में। तो इस पिक्चर में मैं इनका हीरो हूँ। लवली, थैंक यू। एक्चुअली अभी हम लोगों ने इस फिल्म का तो हो गया है, इसका ऑडियो लॉन्च है और दूसरी फिल्म ये है मतलब पगला। तो पगला के लिए अभी हमने किसी का चयन किया नहीं है, कुछ जो मेन आर्टिस्ट हैं वो फाइनल हुए हैं यहाँ तक। एक्चुअली मैंने अभी तक इसमें हीरोइन भी किसी को नहीं लिया है और जहाँ तक उम्मीद है कि मैं इस फिल्म को नहीं करूँगी क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारी सी चुलबुली सी लड़की का कैरेक्टर है। तो इसलिए मुझे इसमें कोई ऐसा इनोसेंट फेस चाहिए जो मतलब काफ़ी प्यारी हो, क्यूट सी हो, चुलबुली हो, छोटी सी बच्ची की तरह हो, उस तरह सा कैरेक्टर चाहिए। तो ढूंढ रही हूँ। ये फिल्म बन चुकी है, सितंबर लास्ट तक रिलीज़ का प्लान है। आज इसका ऑडियो भी लॉन्च होगा और कल हम पटाया में इसका प्रीमियर भी करने वाले हैं। तो इसमें मतलब डबल सेट कह सकते हैं, एक लड़की है नॉर्मल से घर की है बट उसका पूरा मतलब रोमांस ही है उस फिल्म में। अच्छा, ऑडियो के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का म्यूजिक है फिल्म में? इस फिल्म में म्यूजिक दामोदर राव जी ने दिया है और गीत राजेश मिश्रा, फरेंदर राव, मुन्ना दुबे और राजकुमार जी ने किया है। और इसके गाने सभी जो मार्केट में चलते हैं एकदम धासु धूम धड़ाक वाले उस तरीके के ही हैं जो भोजपुरी में चलते हैं। हाँ, एक्चुअली मैं उन्हें पिछले 4-5 सालों से जानती हूँ और उनका मैंने काम देखा है पहले उड़ीसा इंडस्ट्री में और भी उनकी फिल्में देखी हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने सोचा जब मैं उन्हें जानती हूँ, मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो फिर उनके साथ ही करते हैं, इसलिए मैंने उनके साथ किया। और उनका एक्टिंग तो अच्छा है ही लेकिन उनका डांस बहुत कमाल का है, इसलिए मैंने उनको लिया। इसके पहले मैंने एक जॉइंट बैनर पे फिल्म की थी और उसके बाद अभी ये सोलो है। ऑफ कोर्स दूसरी आज मुहूर्त भी है दूसरी फिल्म का। क्या हिंदी में भी आना चाहेंगे? एक्चुअली हिंदी में मैंने शादी के लिए लोन फिल्म की है, कशक की है, और डेफिनेटली मैं इसके बाद हिंदी ही प्लान करूँगी। मेरी एक फिल्म तो अभी वैसे लगी हुई है राजकुमार पांडे जी की, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। जगदीश शर्मा जी की फिल्म आ रही है ज्वाला, और भी कई फिल्में आ रही है। मैं ज़्यादा तो सीरियल ही करता हूँ, सीरियल में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। बबलू का रोल बहुत ही प्यारा है इनका। वैसे फिल्म अलग है, सीरियल अलग है, फिल्म करना चाहता हूँ लेकिन भोजपुरी में जो रोना है जो सबको पता है, आपको भी पता है, आप लोग उसी से गुजर रहे हैं। तो करता रहूँगा मैं, भोजपुरी भी करता रहूँगा क्योंकि ये तो मेरी मातृभाषा है, मैं बिहार का हूँ, तो उस हिसाब से मुझे करना भी चाहिए। प्रोड्यूसर के रूप में नहीं, मेरे दोस्त के रूप में है ये, तो है ना। खूबसूरती को ये बाल है ना बहुत कवर कर रहा है, बहुत बदमाश बाल है। तो ये भोजपुरी की सलमान खान है हमारी दोस्त। थैंक यू। जल्द से जल्द इनकी शादी कराना है। मैं सलमान से बात किया हूँ, सलमान बोला कि यहाँ पायल से एक बार मिला दो मुझे, तो देखते हैं ये पायल नहीं आंचल। आंचल तो मैं आशीर्वाद देता हूँ कि इनकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, कोई अच्छा सल्लू मिले मेरे जैसा। बिल्कुल, मुझे आप जैसा ही हस्बैंड चाहिए। वो लंबे तगड़े जो होते हैं ना वो बहुत बदमाश होते हैं, मैं तंग आ चुकी हूँ। आप सबको बहुत बहुत प्यार लग रही भोजपुरिया काका अरुण सिंह के तरफ से। श्रावण में सब भोजपुरी भाषी के हर हर महादेव, और सब लोग के दिन शुभ हो, श्रावण महीना सब लोग के शुभ हो। और आज बाप रे बाप की म्यूजिक लंच हुआ। ये फिल्म में हम नेगेटिव करेक्टर की लिए बनी,
एगो बड़ा अच्छा करेक्टर बा एमे जोना के हमने के कह सके नहीं जा कि इसमें कुछ पब्लिक ऊपर छोड़ दीजिए अभी बताऊंगा तो बड़ा सस्पेंस होगा। हालांकि बहुत अच्छा करेक्टर है, बहुत बढ़िया करेक्टर है और ज़रूर सबको मज़ा आएगा। ये फिल्म हमारी दोस्त आंचल जबकि मैं फिल्म किया था हौद बजवानी जिया ना राजा जी, उस टाइम में पहली बार इनको मैं अपने फिल्म में सनी के अपोजिट मैंने रोल दिया था हीरोइन में। उस टाइम से हमारी आज तक बहुत अच्छी दोस्ती है इनके साथ और गौरव झा की, तो एक दोस्त के नाते गौरव झा को और आंचल को मैं यही शुभकामना दूंगा कि दिन दुगिना रात चौगुना बाढ़ लेखा, भोजपुरी में कहा था कि बाढ़ लेखा बढ़िया, तो हम चाहब कि दिल से हमारे दोस्त बाढ़ लेखा बढ़िया और फिल्म के बहुत अच्छा सफलता मिले ताकि आज दूसरा फिल्म बना होता है तीसरा चौथा पाँचवा फिल्म लोग बनावे। हमारा तरफ से हार्दिक शुभकामना का। मैं स्टेज शो करता नहीं हूँ क्योंकि मैं स्टेज शो का कोई गायक हूँ नहीं, लेकिन हाँ ये सच है कि बम्बई में 1999 से लेकर आज तक कम से कम 1200 स्टेज शो हमारे माध्यम से हुए होंगे और जितने भी भोजपुरी के सिंगर हैं भले वो स्टार हो या नया हो या पुराना हो उनको पहली बार शायद मुंबई में अगर पहला शो मिला होगा तो भोजपुरी काका अरुण सिंह की तरफ से ही मिला होगा, भले वो भोजपुरी का कोई भी बड़ा नाम हो। बहुत खुशी की बात है और बाप रे बाप की पूरी टीम को सुबोध सर की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। नहीं मैंने काम नहीं किया, मेरे दोस्त की फिल्म है और मैं शुभकामना देने के लिए आ गया हूँ यहाँ। थैंक यू। मेरा नाम हिमांगी है, हिमांगी साखी हूँ और मैंने इसमें निर्मला पांडे का किरदार किया है एज ए ट्रांसजेंडर जो ज़मीन की मालकिन होती है उसका किरदार किया है। और ये जो फिल्म है मैंने इस तरह का किरदार फर्स्ट टाइम किया, इट वाज़ अ वेरी चैलेंजिंग रोल फॉर मी एज एन ट्रांसजेंडर। इससे पहले मैंने कई मूवीज़ की है, तेलुगू में थर्ड मैन किया है एज अ मेन लीड और अभी हिंदी में हाल ही में थर्ड मैन पार्ट टू भी रिलीज़ होने वाली है और ये जो है फर्स्ट टाइम एक चैलेंजिंग रोल इस तरह का मैंने किया। और मैं थैंक्स ज़रूर कहना चाहूँगी अपना आंचल जी को और गौरव झा को जिन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दिखाया, सुनाया ये स्क्रिप्ट और बड़ा अच्छा लगा मुझे उसके साथ काम करके। मुश्किल तो मुझे ज़रूर आई क्योंकि भोजपुरी लैंग्वेज एक्चुअली मेरा नहीं है, मैंने कभी भोजपुरी मूवी नहीं की, बट इट वॉज़ लाइक यू नो हम क्या कहते हैं उसको, कुछ सीखने मिला, नया कुछ सीखने मिला और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी मेरा ये फर्स्ट पहला कदम है तो आई वाज वेरी हैप्पी टू वर्क विद। शूटिंग का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और कुछ काफ़ी कुछ सीखने मिला इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो फाइटिंग सीक्वेंस है, स्टंट है जो हमने बाकायदा खुद किया है इसके अंदर और फर्स्ट टाइम किया है तो काफ़ी कुछ मुझे सीखने मिला इसमें। Thank you very much. ऑडियो लॉन्चिंग है जिसके सारे गाने बहुत अच्छे बने हैं और आज शाम को ये ट्रेलर भी लॉन्च हो रहा है वर्ल्ड वाइड से, तो आप लोग इसे देखें। और मैं इस फिल्म में बाप रे बाप फिल्म जो है बहुत ही प्यारी फिल्म है, एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो भोजपुरी में पहली बार आ रही है। इस फिल्म में मेरा किरदार और बाप रे बाप फिल्म में मेरा किरदार ऐसा है कि एक मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा काम किया कि लगा मुझे कि मैंने कुछ एक्टिंग किया। और आज तक ठीक है सब हीरोइज़म वाली फिल्में की उड़ीसा में मैंने या जो भी मैंने फिल्में की सब हीरो टाइप की फिल्में थी, इसमें मुझे फील नहीं हुआ कि एक हीरो के जैसा मैं काम कर रहा हूँ। जस्ट इसमें
मुझे एक ऐसा काम करना था कि जिसमें मैं एक्टिंग कर सकूं, तो इसमें काफ़ी स्कोप रहा। तीन तीन कैरेक्टर एक साथ प्ले कर रहा हूं मैं इसमें, और ये आचल सोनी जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर हैं काफ़ी इन्होंने हेल्प किया, जो इस फिल्म की अभिनेत्री भी हैं, और अब ये बताएंगे इस फिल्म के बारे में अच्छे से। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आंचल सोनी। ये फिल्म एक मतलब मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो मैं काफ़ी समय से करना चाह रही थी। मुझे मतलब ऐसा टीम नहीं मिल रहा था कि मैं जिनके साथ काम कर सकूं, और बाद में जब मुझे टीम मिला तो इतनी प्यारी टीम मिली कि आज हम अपना दूसरा प्रोडक्शन भी शुरू कर रहे हैं। और ये फिल्म बहुत ही मतलब मेरे दिल के बहुत ही करीब है। इस फिल्म में हॉरर भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, जिसमें गौरव जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना किरदार निभाया है। रितु जी भाभी का कैरेक्टर की है, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा निभाया है। जितने भी आर्टिस्ट इस फिल्म में काम किए सबने काफ़ी अच्छे से निभाया है, तो इसलिए मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। सर फिल्म का ऑडियो लॉन्च है तो क्या कहना चाहेंगे, ऑडियो के बारे में जानना चाहेंगे? हाँ, ऑडियो इस फिल्म का म्यूज़िक दिया है दामोदर जी ने, दामोदर राव ने, और गाना लिखा है मुन्ना दुबे, फणिंदर राव, राजेश मिश्रा, आर राजकुमार। तो इन लोगों ने अलग अलग फ्लेवर के गाने लिखे हैं और अलग अलग मूड के गाने दिए हैं। इसमें एक काली का गाना है, बहुत ही प्यारा गाना है क्लाइमेक्स में, जिसमें काली की प्रतिमा रहती है बड़ी सी। अरे यार बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, इसको बोलना पड़ेगा जाके। चलिए चलिए, इसमें काली का गाना है जो क्लाइमेक्स में, बहुत ही प्यारा गाना है, राजेश मिश्रा जी ने लिखा है। और उसमें मैं एक क्लाइमेक्स में ऐसा होता है कि एक किन्नर का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, तो बहुत ही दमदार वो लगा मुझे। मैंने कभी ऐसा लेडीज़ का कैरेक्टर किया नहीं था कभी, मैं आज तक कभी लड़की भी नहीं बना हूँ फिल्म में, तो बना भी तो एक छक्के का कैरेक्टर करना पड़ा। और ये आ गए हमारे म्यूजिक डायरेक्टर, आइए आइए, आज ऑडियो लॉन्च है और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर बहुत सही समय पे पहुंचे। नमस्कार, मैं गौरव झा और मैं आज इस फिल्म के बाप रे बाप ऑडियो लॉन्च पे हूँ, और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं दामोदर राव जी और निर्मात्री आंचल सोनी। और आप बताइए कि कैसा आपने गाना इसमें बनाया है और किस किस तरह से आपने बनाया है? जी नमस्कार, मैं दामोदर राव आप सभी मीडिया वालों को नमस्कार करता हूँ, आप सभी भोजपुरिया श्रोताओं को भी नमस्कार करता हूँ। ये आज बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही खुशी की बात है कि हमारे बहुत अच्छे एक्टर गौरव झा जी और साथ में हीरोइन जो है अभिनेत्री आंचल सोनी जी, इनका नाम वैसे पायल सेठ भी है तो आज तो कोई बुलाता ही नहीं। हाँ तो लेकिन नाम बदलने से भी काफ़ी कुछ होता है ये दुनिया में, लेकिन मेरा मतलब बचपन से आंचल ही है। बढ़िया, आंचल तो अच्छा नाम ही है, आंचल की छाँव में सारे लोग पलते हैं। तो फिल्म काफ़ी अच्छी बनी है भोजपुरी में, ये पहली बार जहाँ तक हमको लगता है कि हॉरर फिल्म बनी है, ये भूत प्रेत वाली आत्माओं वाली प्रेत आत्माओं वाली कॉमेडी का बहुत अच्छा तरीका, अच्छा जिसमें कॉमेडी का अच्छा कॉम्बिनेशन अच्छा, है हाँ। और रोमांटिक भी सीन हाँ, काफ़ी है इसमें, गाने हैं और अलग हट के इसकी राइटिंग हुई है, जिसकी निर्मात्री हीरोइन और लेखिका भी आंचल सोनी जी ही हैं। तो ये अच्छा दिन देखने को मिल रहा है आज, इसका आज आपका दिन है, आज ऑडियो लॉन्चिंग है तो हाँ, लेकिन हम तो आपके बिना फिर कुछ हो नहीं सकते हैं हमको तो आगे आपके बिना हम अधूरे हैं। नहीं नहीं, पर्दे पे तो सबको दिखता है हीरो हीरोइन, लेकिन उसके पीछे के लोगों को कोई नहीं हाँ, कर पाता, सब एक दूसरे के पूरक है सब। अब हम लोग तो इनके बिना भी कुछ नहीं हो सकते हैं, अकेले गा के बजा के क्या करेंगे। और तो आपने जो गाने बनाए, मुझे मतलब उस काली गाने के बारे में बताइए, मतलब आपने जो बनाया था वो काली का गाना, तो फिर वो तो पता नहीं, याद भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा गाना है वो, और उसको गाया है आलोक कुमार ने, वो जय काली करके, मतलब एक क्या रुद्र माँ का हाँ तांडव जो है। और उसमें मैंने मतलब फर्स्ट टाइम फिल्म में मैंने क्लासिकल डांस किया हाँ, और वो पूरा फिल्मांकन किन्नर के ऊपर है, वो जिसमें बैकग्राउंड में भी किन्नर ही रहते हैं, तो कहानी का सिचुएशन है हाँ, तो किन्नर पे मतलब ऐसा पहला भोजपुरी में गाना होगा जिसमें कि किन्नर क्राउड है, मतलब डांसर है और बैकग्राउंड में सारे जितने भी नहीं, थोड़ा सा सीन तो हमको दिखाए थे, आप देखे थे
आप सभी श्रोताओं को बहुत ही पसंद आएगा वो गाना, क्योंकि बड़ा बड़ा डिफरेंट, वो खुराफात जो माइंड है वो गौरव झा जी के अंदर पता नहीं कब से कैसे चल रहा था। तो ये हमसे सबसे पहले तो उस गाने को लिखवाए राजेश मिश्रा जी से, और कितनी मशक्कत करनी पड़ी गाने को लिखवाने के लिए, उनको समझिए रोज सुबह 8 बजे पहुंच के उठा के लाते थे, वो लेके नहीं आते थे, उठा के लेके आते थे, और धीरे धीरे वो गाना बहुत विशाल बन गया, म्यूजिक भी वैसा ही बना, रिकॉर्ड भी वैसा हुआ, हमने थोड़ा शूट का झलक भी देखा है, जो मन में जैसा खाका था वैसा ही शूट हुआ है। और गाना था छक्का धक्का, वो गाने का मुझे ऐसा करना था कि वो गाना थोड़ा अच्छा करना था, तो वो गाना हम लोग शूट करने के लिए कम से कम पूरी यूनिट ने सपोर्ट किया, और 3 से 4 किलोमीटर तक कोई कैमरा कोई लाइट सब उठा के, और 4 किलोमीटर तक पूरा सारी यूनिट पैदल चली, क्योंकि जिस लोकेशन पे शूट चली तो चली, वो मींस पहाड़ों से नीचे पहाड़ के वो देखने वालों को बिल्कुल क्योंकि देखने वाले को पता नहीं चलेगा कि वो किस तरीके से शूट हुआ है। हम फिल्म में देखते हैं बस नॉर्मली, लेकिन शूटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है शूट करना, और हम लोगों मतलब सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा यूनिट ने बहुत सपोर्ट किया, और सारी यूनिट ने बोला हाँ चलेंगे हम साथ में वहाँ पर, ये एक इनका भी था वहाँ पर, तो ये भी एक लड़की हो के फिर भी वहाँ 4 किलोमीटर बहुत ही जुनून था फिल्म को करने के लिए। 4 किलोमीटर तक पैदल चलना अलग बात है, वो पहाड़ी रास्ता था, पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर के हमें झरने का था, जिसका मतलब कोई रास्ता भी नहीं था उतर के उतरने का, फिर भी हम लोगों ने कोशिश करके कैसे कैसे उतरे हैं। बिल्कुल, और वो झरने का शॉट जो आपको दिखेगा वो गाने में, वो झरने का शॉट लेना था, उसके लिए हम लोग काफ़ी पैदल चल के वहाँ पर गए थे, और काफ़ी गाने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बने, आप लोगों को पसंद आएंगे। भोजपुरी स्टाइल के गाने हैं जैसे दर्शकों को अच्छा लगता है, और इन्होंने बहुत अच्छा कंपोजिशन किया उसमें अपना। मुझे लगता है भोजपुरी फिल्मों में ये पहली बार फिल्म का टाइटल से ही लगता है, फिल्म का नाम ही आप लोग देख रहे हैं, किसी भी चीज़ को देखकर अचानक इंसान कह पाता है कि बाप रे बाप, ये फिल्म का नाम ही बाप रे बाप है, और वाकई कुछ ऐसा काम हुआ है जो हमको लगता है कि भोजपुरी फिल्मों में इतना इफेक्ट यूज शायद नहीं यूज हुआ हो, टेक्निकली इसको थोड़ा सा मजबूत किया गया है, साउथ का फुट कुछ लाया गया है, वैसे हमारे हीरो भी साउथ के हीरो, मैंने एकदम सेम एक बाबू नाम का हीरो है आप देखे हुए साउथ में, एकदम चेहरा से इनका फोटो डाल दीजिए और उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है फिर भी मैंने जो है कहा जाता है। तो अभी आप सभी लोग थोड़ा कंटिन्यू करिए, और आप म्यूजिक डायरेक्टर, और इन्होंने हमारे फिल्म में गाना भी गाया है, हाँ ये भी एक खासियत है, थोड़ा एक दो लाइन सुनिए और कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा और गेस्ट लोगों को देख लेती हूँ, ठीक है थोड़ा गाना सुना दीजिए। हाँ इसमें गाना तो काली का 2 लाइन सुनाएंगे शायद, आपको याद है कि नहीं, मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि बड़ा ही गाना सुंदर है, कोई भी अच्छा गाना उसमें वो काली का और मंत्र से स्टार्ट हुआ था, ओम जयंती मंगलाकारी। अच्छा, मंत्र आप गा दीजिए। मैंने गाया नहीं, आलोक जी ने बहुत अच्छा गाया उस गाने को, बहुत उस लेवल तक पहुंच नहीं सकते, बहुत ही अच्छे सिंगर है। 2 लाइन सुनाइए उसे। वो गाना ऐसा था, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवानात्री नमस्तुते नमस्तुते जय काली ये था। इस टाइप का रुद्र मतलब गाना में बहुत जोश है, एग्रेसिव गाना है बहुत। इसमें मैंने एक्चुअली वो आंचल जी ने मिलके एक गाना मुझे गवा दिया, मैंने भी एक गाना इसमें गाया, एक्चुअली 2 गाना गाए मैंने, एक छक्का धक्का करके गाना है, बहुत ही प्यारा गाना था, वो गाना था, हो जब छतिया से ओढ़नी हटा वेला त डर लिंग लागे लकर जुआ पे धक्का, अरे पीच तो हार बेकार हो जाई लागे अतना छक्का। बिल्कुल, अब आप लोगों से विदा लूंगा, और आप आज शाम को इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और ऑडियो लॉन्च हो रहा है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं अपने किसी भी डिजिटल साइट्स पे। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।